नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी मैसेजेस ये आ रहे हैं कि सर पेपर कदों होवेगा, मेरिट सूची की बनेगी, तो पेपर की लैंग्वेज केड़ी होवेगी। तो सब तो पहला गल करिए पेपर कदों होवेगा, मतलब एग्जाम की डेट कदों होवेगी। तो हूँ जो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ होया सी तां मई का महीना है, ये आपां काउंट नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्म सबमिट करते हुए अपना फिनिश हो चुका है। इस तो बाद जून जुलाई ते अगस्त ये 3 महीने आपां नूं मिलणगे एग्जाम की तैयारी लई, एंड सितंबर दे स्टार्टिंग विच जिहड़े कि एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि SSB बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट कराने का जिहड़ा पैटर्न है वह कैंडीडेट नूं 3 महीने का टाइम देंदे ने एग्जाम की प्रिपरेशन करन लई। मतलब जदों पोस्ट की लास्ट डेट फिनिश हुंदी है फॉर्म नूं सबमिट करन दी, उस तों बाद 3 महीने प्रोपर तुहानूं मिलणगे एग्जाम की तैयारी करन लई। SSB बोर्ड का यह रूल हुंदा है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगस्त के महीने विच तुहाडे कोल लास्ट विच एक नोटिफिकेशन आएगा जिस विच सितंबर की कोई डेट तुहानू मैंशन की होगी कि इस डेट में तुहाडा एग्जाम है। हुण दोस्तों तुहाडे कोल टोटल 3 मंथ है, खिंच लो तैयारी जिन्नी परफेक्ट तैयारी कर सकते हो एग्जाम की, एंड क्लासेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहना। सैकेंड क्वेश्चन की गल करिए मैरिट सूची किवें बनेगी, मतलब कि किन्ने नंबरों वाले कैंडीडेट पास होणगे इस एग्जाम। इसकी जानकारी तुहानू ऑफिशियल नोटिफिकेशन विच मिल जाएगी, इत्थे उन्होंने मैंशन किया है कि MCQ टाइप लिखती पेपर होगा। दोस्तों वैसे तो अजकल पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी तुसी एग्जाम देने हो तो वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, बट इत्थे इन्होंने लिखती पेपर लिखा हुआ ता करके OMR शीट बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, तो CBT भी हो सकता है। मतलब कोई श्योर नहीं है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या OMR शीट बेस्ड टेस्ट होगा। जो तुम्हें नहीं पता OMR शीट बेस्ड टेस्ट की होंगे है तो वीडियो के एंड में तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें ध्यान नाल देख लो, पूरी जानकारी तुम्हें उस विच मिल जाएगी। इस तो बाद इन्होंने लिखा हुआ कि परीक्षा विचों प्राप्त अंक के आधार पर ही सांझी मैरिट सूची लिस्ट तैयार की जाएगी, तो एग्जाम विच घट्टो घट 40% नंबर प्राप्त करने जरूरी है। जो तुम 40% मार्क्स जोड़े हो प्राप्त कर लेने हो तो एग्जाम में तुम पास मने जाने हो, इस तो बाद मैरिट सूची में शामिल हो जाने हो। हुण इस मैरिट लिस्ट विच सिलेक्टेड कैंडीडेट जोड़े हो फाइंड किए जाएंगे। हुण मैरिट लिस्ट विचों किवें सिलेक्टेड कैंडीडेट फाइंड करने ने उस रिलेटेड मैं एक वीडियो पहला तुम्हें प्रोवाइड करवा चुका, वह वीडियो भी तुम्हें वीडियो के एंड में मिल जाएगी, उत्थे जाके एक बार चंगी तरह पूरे प्रोसैस में समझ लियो। एंड इस तो बाद गल करिए पेपर की भाषा कौड़ी होगी, मतलब कि लैंगुएज में आप एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों जेकर CBT टैसट हों कंप्यूटर बेस्ड टैसट हों तो हिंदी इंग्लिश पंजाबी तिने लैंगुएज तुम्हें मिल जाएगी, जी मर्जी लैंगुएज चूज़ करके तुम एग्जाम दे सकते हो। बट जो OMR शीट बेस्ड टैसट हों तो कोंजाबी इंग्लिश दो लैंगुएज में क्वेश्चन थोड़े शीट से होने, उन्होंने जोड़ा तुम्हें कंफर्टेबल लगता है उस क्वेश्चन रीड करके अपना सही आंसर से टिक मार लगा के क्वेश्चन पेपर में अपने सबमिट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों उम्मीद है तो पूरी गल समझ से आ गई होगी, जो हूँ भी कोई सवाल तुम्हारे मन में ज्यादा वीडियो में कमेंट कर दियो। जो एग्जाम की क्लासेस एंड सिलेबस बारे जानकारी लेना चाहते हो तो यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इससे मैंने फॉलो करके मेरे गल करके पूरी जानकारी तुम ले सकते हो। एंड जो ये वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो, वीडियो में लाइक कर लो, तो एक प्यारा जहा कमेंट जरूर कर दो।